जितिया पबनी बड़ भारी, लैका फैका ठोक सुतैलों, अपने खैलों भर थाली। शायद इसका यह मतलब होगा कि जितिया का जो व्रत है बहुत ही टफ है। इसमें सर्गी खाते हैं, ज़्यादातर बिहार में किसी व्रत में सर्गी नहीं खाते हैं, सुबह उठकर जल्दी खाना खाते हैं, इसलिए शायद ऐसा बोलते हो। जितिया का व्रत कल से शुरू हो रहा है। यह व्रत बच्चों की दीर्घायु होने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। यह कल नहाए खाए से प्रारंभ हो रहा है, कुछ लोग कल से शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग परसों से। दूसरे व्रत की तरह इसके नहाए खाए में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें फिश, लहसुन, प्याज, अगरम बगरम सब खाते हैं। लेकिन जो एकदम से कंपल्सरी है खाने में, वो है मरुआ का रोटी, नोनी का साग, नोनी या नूनी जो भी आप बोलते हो, और झिगनी की सब्जी। चलिए बनाते हैं जितिया के व्रत के नहाए खाए का खाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर नूनी का साग बनाऊंगी। नूनी का साग मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है। इसमें घास फूस खरपतवार बहुत होंगे, उसे निकालकर साफ कर लें और इसको धोकर साफ कर लें। इस तरह यह प्रोसेस मैंने 6 बार किया है, तब जाकर यह साग साफ हुआ है। इसलिए ध्यान रखें, आप भी ऐसे ही साफ करें, इसमें रेत बहुत ज्यादा रहता है। साग साफ हो गया है, इसे एक ऐसे जाली वाले बर्तन में रख लेते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों तेल लेंगे, 3 लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। यह साग पककर बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज डाल रहे हैं, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। प्याज में नमक स्वादानुसार डाल दें और थोड़ा कम ही नमक डालें, क्योंकि इस साग में हल्का नमक होता है। प्याज भून चुका है, अब इसमें साग डाल देंगे। साग और प्याज को अच्छे से मिलाकर कवर कर दें। गैस स्टोव मीडियम टू लो रखना है। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहें ताकि यह जले नहीं। जब इसमें पानी नहीं दिखने लगे, बिल्कुल मॉइस्चर ना दिखे, तो इसका मतलब साग पक चुका है। अब 1 मिनट गैस स्टोव तेज कर इसे चलाते हुए भून ले और गैस स्टोव बंद कर दे। साग तैयार है। अब झिगनी की सब्जी बना लेते हैं। झिगनी को हरियाणा में कांटे वाली तोरी भी बोलते हैं। इसका छिलका हटाकर इसे धोकर फिर ऐसे काट लें। एक कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच राई दाना और 3 लाल मिर्च डाल दें। जब राई तड़कने लगे तब उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा झिगनी कटा हुआ डालेंगे। उसे 1 मिनट तक भुनने के बाद इसमें मसाला डालें। इसमें जो मैं मसाले डाल रही हूँ, यह राई पाउडर से बना हुआ है। हम लोग ज्यादातर पीले सरसों को ऐसे ग्राइंड करके रखते हैं, क्योंकि हम इस मसाले को हम बहुत सारी सब्जियों में यूज करते हैं। 2 टेबलस्पून राई पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सूखे मसालों में पानी डालकर मसाला तैयार किया है। मसाला हाई फ्लेम पर भुने, नमक डाल दे, स्वादानुसार नमक डालें, लेकिन ध्यान रखें यह सब्जी पककर बहुत कम हो जाएगा, इसलिए कम ही नमक डालें। मसाला से तेल अलग होने लगे तब समझना है कि मसाला भुन गया है। अब बाकी जो सब्जी बचा हुआ, अब जो बाकी झिगनी बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करके ढक्कन लगा दें। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहें ताकि सब्जी जले नहीं। जब झिगनी पक जाए इस तरह से चेक कर लें, तब मीडियम साइज का चॉप टोमेटो ऐड करें और कवर करके पकने दें। 1 मिनट पकाने के बाद टमाटर को ऐसे क्रस करते हुए सारी सब्जियों में मिला दें। तैयार है हमारा दूसरा आइटम भी, झिगनी की सब्जी।
अब बारी है मरुआ के रोटी की। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मरुआ का आटा छान लिया है। इसको गूंदने के लिए गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर चाहिए। पानी इसमें बहुत कम लगा है गूंदने में, इसलिए कम कम ही पानी डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा। जैसे मम्मी मिला रही हैं हथेली से मसलकर, वैसे ही आटा मिला लें। आटा गूंद गया। अब मम्मी के स्टाइल में रोटी ऐसे बनाएंगे, इतना बड़ा लोई काफी है। मम्मी हाथ में पानी लगाकर दोनों हाथ से ऐसे बना रही हैं। अगर आपसे ऐसे बन पाए तो ठीक है। नहीं तो मेरे तरीके से बना लीजिए। इजी एंड क्विक ब्रेड वाली पन्नी में आटे की लोई पर तेल लगाएं, ऐसे पन्नी से कवर कर लें, ऐसे पन्नी से दूसरे साइड से कवर करके हाथ से प्रेस करें, बना लें। है ना बढ़िया। जितना मैंने मरुआ का आटा लिया था उसमें 4 रोटियां बनी है। इसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे रागी, नचनी, लेकिन बिहार में हम इसे मरुआ का आटा बोलते हैं। अब इन रोटियों को सेक लेते हैं। जब यह इस तरह से डार्क ब्राउन हो जाए तो इसे पलटते हैं। अब इसे चाहे तो इसे तवे पर ही सेक ले या फिर डायरेक्ट फ्लेम पे, जिससे कि यह बहुत अच्छे से फूल जाए। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। अब इस वाव दूसरा वाला तो और भी अच्छा फूला। अब इस पर घी लगा लें। देख सकते हैं थाली कितना यम्मी दिख रहा है। चाहे तो रोटी में अगर तवे पे ही घी लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। यह भी फूल रहा है जबरदस्त। आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। बेल आइकन पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके मेरे सभी के बच्चे दीर्घायु और हेल्दी रहें, इसी शुभकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। नमस्कार।